apart from that, not only Vinayak but also dieting. So by just combining both Vinayak and dieting, I have been able to keep myself fit. And I thank you for your association. Again, coming to the topic as far as Nourish India, मैं हमेशा believe करता हूँ कि शरीर माध्यम खुल धर्म साधना, शरीर के माध्यम से सभी चीजों की प्राप्ति होती है और इसलिए शरीर को फिट रखने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, डिसिप्लिन रखना चाहिए और उस डिसिप्लिन को रखने के लिए सही समय पे सही चीजें बॉडी को मिलनी चाहिए और बॉडी केवल बॉडी की बात नहीं है क्योंकि खान पान से हमें बॉडी की जो भी फिजिकल वेलनिंग है ये होती है बट एट द सेम टाइम दिमाग को विचार भी अच्छे होने चाहिए। जैसे खान पान अच्छा होने से हमारी सेहत अच्छी होती है वैसे विचार अच्छे होने बॉडी एंड माइंड बोथ आर इन टैंडम। आई मीन यू कैन नॉट सेपरेट दीज टू बॉडी फ्रॉम माइंड और माइंड फ्रॉम बॉडी एंड वंस वी हैव बोथ इन सेम we will surely have better future for ourselves for generation. So again what I say with this August gathering is you are doing a wonderful job because we know there was a time when malnourishment was a big issue in India but now it is hardly discussed because we have probably got over this phase but again there could be undernourishment in different parts of the country. For example, I have been able to, I was lucky to work in different parts of Maharashtra. So I can say there are many areas where we can again go and work more in this field. So yes, I personally believe we have been got over from over the phase of malnourishment, but there could be undernourishment to some extent in some parts of the country, some part of the state, where we can work hard and again get them above that level. And as I said, since we are here to with a, I mean, संकल्प की देश को आगे बढ़ाना है तो उसमें शरीर को और दिमाग को सही रखने की जरूरत है। मैं अक्षय पात्र जिसका नाम ही जिसमें से छह नहीं बड़ा अक्षय तो उस अक्षय पात्र को हम बड़ा करते रहेंगे बढ़ाते रहेंगे। यदि मैं महाभारत की बात करूं तो सबको पता होगा कि द्रौपदी के द्रौपदी और जब पांडव अज्ञातवास में थे तो दुर्वासा ऋषि अचानक से आ गए थे खाने के लिए और एक उनको उस समय ये समझ नहीं आ रहा था उनको भोजन कैसे दिया जाए और उनका गुस्सा सबको पता था कि यदि ये गुस्सा हुए तो पांडवों का सत्यानाश हो जाएगा और उस समय उन्होंने मधुसूदन को याद किया और मधुसूदन को याद करने के बाद वो आए और एक बर्तन दिया जिसको अक्षय पात्र जिसमें एक दाने से सबका इसी तरीके की ये संकल्पना है। नाम भी आपने बहुत अच्छा चूज किया है, काम की तो बात ही नहीं करनी है, इट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन वेरी गुड। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट एंड आई होप वी विल कंटिन्यू इन दिस डायरेक्शन एंड वी आर हियर टू सपोर्ट यू इन व्हाट एवर पॉसिबल। थैंक यू, जय हिंद। आपका नाम भी बहुत प्रोत्साहन से रखा हुआ है, आपने कान्हा जी की यहाँ पे हमको वर्णन किया, आपका नाम कृष्णकांत जी और हमारे साथ जो लोग आपको अभी फेलिसिटेट करने आ रहे हैं प्लीज मे आई कॉल ऑन स्टेज अनंत अरोड़ा जी वंस अगेन एंड ब्रजराज दास जी जनरल मैनेजर और अक्षय पात्र टू प्रेजेंट द टोकन ऑफ अप्रिसिएशन।